केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को 18 तक करें ऑनलाइन आवेदन। ई चलान और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप 23 सितंबर तक करवा सकेंगे ऑनलाइन फीस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 सितंबर निर्धारित की है। 23 सितंबर तक आप फीस का भुगतान कर सकते हैं। ई चलान और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी जो फीस है वो सबमिट इसमें करवा सकते हैं। परीक्षा में 2 पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2। इस वर्ष इसमें 92 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित इसके एग्जाम जो ही करवाए जाएंगे। पेपर 1 उन उम्मीदवारों को देना होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। पेपर 2 उन उम्मीदवारों को देना होता है जो 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक हैं और CET/ET पास उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय नवोदय सर्वोदय स्कूल व केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फीस की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के लिए जो फीस है इसके लिए वो एक पेपर के लिए आपको 700 रुपये और दोनों पेपर के लिए आपको 1200 में फीस देनी पड़ेगी। वहीं SC/ST की बात करें तो SC/ST के लिए 300 रुपये एक पेपर के और दोनों पेपर की आपको 600 रुपये इसमें फीस देनी पड़ेगी। 1 से 5वीं तक को पढ़ाने के लिए CET के आवेदन के लिए जमा 2 के साथ 50% के DLED का होना आवश्यक है। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए CET/CTET के आवेदन के लिए किसी भी विषय में स्नातक तथा BEd का होना आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CET/ET की परीक्षा 8 दिसंबर को विभिन्न केंद्रों में निर्धारित की है। तो 8 दिसंबर को ही आपकी परीक्षा होगी। आप 18 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 23 तक आपकी फीस आप जमा करवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लिए अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन और जिसका लिंक आपको वेबसाइट पर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी अब इसके लिए